हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो आप लोग समझ ही चुके होंगे टाइटल को देखकर, मैं बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज हम बात करेंगे नाइट के स्किन रूटीन के ऊपर। मतलब कि हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, तो इस चीज़ को एक तरफ रखते हुए हम बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि स्किन की केयर कैसे की जाए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम नाइट पे लेके चलते हैं। मतलब कि ये है कि जब भी आपका सोने का समय होता है, उससे कुछ देर पहले, मतलब आपके सारे किचन के काम ख़त्म होने के बाद कुछ देर पहले आपको ये प्रोसेस करना है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आफ्टर 30 वुमेंस के साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उनके स्किन पे कभी कभी डार्क स्पॉट्स होने लग जाते हैं, रिंकल की प्रॉब्लम आ जाती है या पिगमेंटेशन हो जाती है, मेलाज्मा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वुमेंस क्या होता है, वो अपने फैमिली के चक्कर में अपने पे ध्यान दे नहीं पाती। तो ये चीज़ बेसिकली हमारे आसपास ही सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो उसका 110% रिजल्ट आपको मिलेगा। बिकॉज मैं भी यही सब करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, उसका रिजल्ट मुझे एकदम परफेक्ट मिला है। ओके, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं, कोई भी मेकअप यूज़ करते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको अपने फेस से रिमूव करना है। वो आपको पता होगा, आपके पास मेकअप रिमूवर होगा, आप उससे अपना मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आपके पास नारियल तेल होगा, नारियल ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा, उसको आपको क्या करना है, एक कॉटन पैड लेना है, उसके ऊपर आपको 2-3 बूंद उसकी डालनी है, ड्रॉप्स डालने हैं, और उसको अपने फेस पे से रिमूव कर लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका फेस पे जितना भी मेकअप होगा, लिपस्टिक होगी, लाइनर होगा, काजल होगा, कुछ भी होगा, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी रात में अपने मेकअप को लेकर नहीं सोना है, ये हमारे जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए हमेशा मेकअप को रिमूव करना है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, हमें करना है क्या है कि अपने फेस को वॉश करना है सिंपल वाटर से। तो अगर ये ज़्यादा अच्छा होगा कि जो लोग साबुन यूज़ करते हैं उसको स्किप कर दें अपनी लाइफ से, एक अच्छा फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें और उस फेस वॉश के थ्रू अपने स्किन को वॉश करें। क्योंकि होता क्या है कि साबुन में बहुत सारे ऐसे हार्म्स केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते ही करते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्या काम करना है, आपको अपने लिए एक माइल्ड सा स्किन क्लींजर लेना है, अपना फेस क्लींजर लेना है, जो बहुत ही कम मतलब हल्के केमिकल्स के थ्रू बना हो, हार्श केमिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो स्किन को डैमेज कर देगा। झाग, मोस्टली क्या लोग सोचते हैं कि झाग वाला, हम बहुत सारा झाग लगाएंगे अपने फेस पे तो वो हमारी स्किन अच्छे से क्लीन होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत मिथ है लोगों के दिमाग में। आप इसको अपने माइंड से वॉश कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अपना जो भी जितना भी माइल्ड क्लींजर लोगे वो स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा। अच्छा, तो ये हमारा हो गया फेस क्लींजर। इसके बाद क्या करना है, हमें लेनी है स्टीम। स्टीम लेने से क्या होता है, आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को निकालना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, स्टीम लेना है, और अगर इसके बाद हमें क्या करना है, साथ में ही अपने स्किन को एक्सफोलिएट करना है। मतलब एक तरफ आपकी स्टीम आ रही है फेस पे हल्की हल्की, और एक तरफ आप उसको साथ ही साथ स्क्रब कर रहे हैं। स्क्रब आप कोई भी ले सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता हो। मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ एवरयूथ का, बहुत अच्छा मतलब स्क्रबर है वो, तो आप, मैं फिलहाल वो यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना अपने अकॉर्डिंग आपकी स्किन को क्या सूट करता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तरफ से आपके फेस पे स्टीम आ रही होगी और एक तरफ से आपको साथ के साथ स्क्रब करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक के लिए करना है। और कभी भी स्क्रबिंग टाइट हाथों से नहीं की जाती, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ऊपर ऊपर से ही करना है। अगर ज़्यादा हार्डली करेंगे तो आपकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं और आपकी स्किन पर स्क्रैचेज आ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, स्क्रबिंग करना भी इम्पोर्टेंट है, पर करने का तरीका आपको आना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करना है। जिन लोगों को मेलाज्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो अपने उस एरिया पे थोड़ा सा हल्का सा टाइटली कर सकते हैं, बट नहीं तो स्किन को बिल्कुल भी स्मूथ तरीके से करना है।
ये हो गया हमारा एक्सफोलिएशन। इसके बाद क्या करना है, हाँ यहाँ एक्सफोलिएशन के बारे में आपको बता दूँ कि जिन लोगों को पिगमेंटेशन मेलाज़मा की प्रॉब्लम है, अगर वो ये हर तीसरे दिन करेंगे तो 110% पिगमेंटेशन मेलाज़मा की प्रॉब्लम दूर होगी ही होगी। ये मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको कि अगर वो कंटिन्यू इस चीज़ को रेगुलरली करेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ स्क्रबिंग आप हफ्ते में एक बार करेंगे, सिर्फ एक बार, वो भी एक मिनट के लिए। ओके, स्क्रबिंग होगी, स्किन हमारी एक्सफोलिएट होगी, उसके बाद हमको करना होता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। तो मॉइस्चराइज के लिए हम एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेंगे आपको जो सूट करता हो। अगर जिन लोगों की स्किन ऑयली है तो वो क्या कहते हैं जेल बेस यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों की स्किन ऑयली नहीं है वो आप कोई भी ड्राई स्किन है वो कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए मैं रिकमेंडेड करती हूँ हमेशा बायो ऑयल, और सेकेंड में यूज़ करती हूँ पॉन्स का लाइट जेल, क्योंकि एक्चुअली क्या है मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, विंटर में तो ड्राई हो जाती है और समर में ऑयली हो जाती है। तो ऑयली जिस टाइम होती है मतलब समर टाइम में मैं यूज़ करती हूँ जेल जो पॉन्स का है, और जो मैं विंटर में यूज़ करती हूँ वो करती हूँ बायो ऑयल। अब लोग कहेंगे कि बायो ऑयल तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए होता है, ऑब्वियसली स्ट्रेच मार्क्स के लिए होता है, लेकिन ये आपकी फेस स्किन पर भी काम करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक्चुअली मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए मंगाया था, लेकिन मैं क्या करती थी कि जैसे ही स्ट्रेच मार्क्स पे लगाने के बाद हाथ में जो भी बच जाता था उसको ऐसे करके बस ऐसे फेस पे लगा लेती थी। तो मुझे उसका कुछ दिनों बाद रिजल्ट दिखने लगा तो मैं उसको यूज़ करने लग गई, तो वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र हुआ मेरे लिए। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस सिंपल जाके अपने बेड पे सो जाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने हो तो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी, एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय।